बहुत टाइम लगने वाला है। महादेव है भाई, इतनी आसानी से थोड़ी मिलेंगे हमारे महादेव। पूरी परीक्षा ले रहे हैं हमारी, कोई नहीं महादेव, हम भी हार नहीं मानेंगे, पूरी जी जान लगा देंगे। कहते हैं कि शिव को पाने के लिए किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आपको शिव जी के बारे में जानना है और अपनी अंतरात्मा को पहचानना है तो उनसे मिलने जाना ही होगा। तो आइए करते हैं इस यात्रा की शुरुआत। हर हर महादेव। हाय एवरीवन, जय बाला जी, वेलकम बैक टू कोड राइडर। तो यार अपनी एक मैं कह सकता हूँ ड्रीम राइड हमारी शुरू होने वाली है कहाँ की, तो आप ये देख के समझ होंगे, बात्रा ज्योतिर्लिंग्स। तो आज फाइनली इसकी स्टार्टिंग हो रही है, तो आज हम निकल रहे हैं उज्जैन के लिए। तो मैं और अभिषेक भाई और हमारे गोलू, हमारे कैमरामैन हमारे साथ जा रहे हैं। तो ये पूरे 12 ज्योतिर्लिंग था, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पूरा एक्सप्लेन करा था। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से उज्जैन, वो 800 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है, आप देख रहे होगे मेरे मुँह से धुआं निकल रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और बस करते हैं वीडियो की शुरुआत, तो बनेगा हर हर महादेव। तो बस यार निकलते हैं भगवान का नाम लेके, हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। भगवान जी कृपा करना, अच्छे से आए, अच्छे से जाए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हाँ भाई, क्या हाल है? और ये तू भी चल भाई साथ। तो भाई लोग अपने साथ जा रही है के हिमालयन और अपनी धन्नो, और ये हमारे चन्नो। हाँ भाई, क्या हाल है विनोद? कैसा लग रहा है मेरे साथ जाके? मजा आने वाला भाई, किलकिल होने वाली है। और वो अभिषेक, ये लीजिए लल्लू राम, और हम, मजा आने वाला 800 किलोमीटर, मजा आ जाएगा यार। देखते, ठंड भी काफी हो रही है, तेरे को ठंड लग रही है? नहीं, ठंड को मैं लग रहा हूँ। भाई लोग अपना लोडिंग हो चुकी है, उस बाइक पे अपन दोनों बैठ जाएंगे, और इस पे सारा सामान हमने लोड कर दिया टॉप बॉक्स में उसका, और इसमें हम दोनों का सामान। तो क्या बेडरूम मेरा कहाँ है? इसके अंदर सो जाएगा, आप ही जाएगा छोटू सा। तो भोलेनाथ आ रहे हैं आपसे मिलने, कृपा करना सबके ऊपर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हम लोग जो रास्ता लेने वाले हैं, यहाँ से 800 किलोमीटर है, हम वाया जयपुर कोटा होते हुए जाएंगे। वैसे हम आगरा होते हुए भी जा सकते थे, पर वो थोड़ा लंबा पड़ता है, 60-70 किलोमीटर, और उस पर टोल टैक्स वगैरह भी लगता है। प्लस फिर हमने सोचा कि यही बेस्ट रूट है, पास भी पड़ता है, तो इधर से ही निकलते हैं। तो अभी जयपुर होते हुए जाएंगे, और अभी तो फिलहाल इतनी ठंड वगैरह कुछ लग नहीं रही ऐसी, तो जब ठंड लगी तो इसके ऊपर और पहन लेंगे झील। और भाई मज़ा आने वाला है, इतनी लंबी राइड आज तक मैंने कभी करी नहीं है। मतलब वन को एक साइड 800, फिर उसके आगे भी हम जाएंगे, महाकाल के आगे भी जाएंगे, तो टोटल हमारी 2000 किलोमीटर के आसपास की राइड होने वाली है ये। तो बस ये जैसा पहाड़ जैसा लक्ष्य लग रहा है, आराम से कट जाएगा महादेव का नाम लेते हुए। तो एक बार और फिर से बोलो हर हर महादेव। तो भाई लोग अपन आ चुके हैं हाईवे के ऊपर, और गुड़गांव होते हुए जयपुर होते हुए निकलेंगे, मज़ा आ जाएगा। यहाँ चलेंगे आराम से 70-80 चलाते रहेंगे, और एंजॉय करते हुए जाएंगे। फैन तो लगा लिए भाई इंटरकॉम में भजन महादेव के, और क्या मज़ा आ रहा है यार। बस आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ जाएगा। अभिषेक ने पूरी रोशनी कर रखी है सड़क के ऊपर, इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स लगा रखी है ना यार, खतरनाक सीन है। और मज़ा आ रहा है यार, जब बंदे कम होते हैं तब भी मज़ा आता है, जब बंदे ज़्यादा होते हैं तब भी मज़ा आता है। उसका अलग मज़ा है, सोलो का अलग मज़ा है, हर चीज़ का अपना अलग मज़ा है। बस आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि मतलब एडजस्ट कर लो, हर किसी के साथ नखरे ना मारो। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगा कि अब जैसे मैं अकेला जाता हूँ तो भी ठीक है, अब किसी और के साथ जा रहे हैं तो हमको एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। लाइक हम अपने नहीं चला सकते, थोड़ा उसका सुनो, थोड़ा अपना करो, तो मतलब ताकि बैलेंस बना रहे। तो खैर, इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम ना सोए रात पर, रात थक कर सो गई। अभी टाइम हो रहा है 1, और बस यही रिक्वेस्ट है यार, धुंध ना मिले रास्ते में ना, अगर धुंध मिल गई तो कांड हो जाएगा, तो बहुत टाइम ज़्यादा लग जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बस धुंध ना मिले यही रिक्वेस्ट है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, बस यही बोल सकते हैं। और यहाँ से कम 15 घंटे दिखा रहा है मैप, और हम 16-17 घंटे लेके चल रहे हैं, लाइक कि लग जाता टाइम, अपन आराम से इंजॉय करते हुए जाएंगे।
भाई जे डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचना, हमको एंजॉय करते हुए रास्ते को मजे करते हुए जाना। हेलो भाई, जिस चीज का डर था वही हो गया, धुंध हो गई गंदी वाली। और अभी तो 2 ही बजे हैं यार, और 100 किलोमीटर ही चले हैं अभी। ओ मैन, कैसे चलाऊं बाइक, बहुत ज्यादा धुंध है गंदी। भाई कैसे चलाएं, बहन की आंख। ओ भाई कसम से यार, जिस चीज का डर था वही हो गया। ओ भाई, ओ भाई, शिट मैन। भाई मेरे को नहीं पता कि कैसे बाइक चल रही है, बस भगवान भरोसे भगवान चल रही है। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा यार, लिटरली बिल्कुल भी, आई एम एबल टू सी नथिंग। देख रहे हो, बस मैं अभिषेक को फॉलो कर रहा हूँ और उसके पीछे पीछे चला रहा हूँ। और कितने चल रहे हैं, 40 45, बस उससे ऊपर एक बार भी नहीं जा रही, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। भाई जिस चीज़ का डर था वही हो गया, धुंध है बहुत ज़्यादा और ठंड लग रही है बहुत गंदी। उसके ऊपर पहन लेते हैं जील और इस बाइक के पीछे पीछे चलेंगे, इसमें लाइट का फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पे येलो लाइट, इसका फ़ायदा लेना पड़ेगा भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। भाई क्या बवाल चीज़ है जील, एक नंबर भाई। मतलब अभी तो कितनी ठंड लग रही थी ना मेरे को, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, मैं बता नहीं सकता। और जैसे ये पहनो ना, पैंट भी पहन लिया। ओ भाई कसम से एकदम सारी हवा रुक गई, हवा पास नहीं हो रही ना, मज़ा आ जाएगा, चलते हैं आगे। गर्मी हो रही है गर्मी। भाई धुंध देखो, आग लगी पड़ी, धुआं हो रहा है। बुझा दे, यहाँ पे ले लेते हैं चाय का ब्रेक। तो भाई अपनी खड़ी बाइक्स और चाय पी लेते हैं। भाई हालत खराब हो गया, ये ना होता ना तो देख रहा हूँ, आपको पता चल ही रहा होगा कपड़े कितने गीले हो गए। इसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है, बहुत ठंड लग रही है, चाय पी लेते हैं। तो अभी तो सिर्फ 150 किलोमीटर के आसपास ही चले हम और इतनी हालत खराब हो गई है, 3 बज गए, और जगह मज़ा आ रहा है यार। भाई अपना हो गया ब्रेक और निकलते हैं आगे, 3:30 हो गए हैं, पहुँच जाएंगे आराम आराम से। भाई कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी दिखाओ, ये देखो तो अब तो थोड़ा खाली है रोड, शुक्र है कोहरा कम हुआ। तो जहाँ जहाँ कोहरा कम होता है वहाँ वहाँ थोड़ा खींच लेते हैं। रात में चलने का ना वैसे एक फ़ायदा होता है कि ट्रैफिक से बच जाता है बंदा, अपना कवर कर लेता है। फिर दिन में थोड़ा वीडियो वीडियो कैप्चर कर लो और अपना एंजॉय करो, रात को जितना कवर हो सकता है उतना कर लो, ये रहता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब टाइम हो चुका है 8:20 और अपन जयपुर पहुँचने वाले हैं। और यार इतनी ज़्यादा धुंध थी क्या बताऊँ, दिमाग की हो गई थी दही बहुत ज़्यादा, इतनी 30-40 से ऊपर चलने रही थी और बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई रात को, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी रात के टाइम, क्या करें। पर कोई नहीं, और हाईवे इतना ज़्यादा ख़राब है, रोड इतना ज़्यादा ख़राब है ना, दिमाग ख़राब हो रहा है। बस जयपुर जैसे क्रॉस कर लेंगे ना उसके बाद ईजी हो जाएगा थोड़ा, पर तब तक तो बहुत ही डिफ़िकल्टीज हैं हाईवे में। अपन पहुंच चुके हैं जयपुर और टाइम हो चुका है 10, रात को 1 बजे के निकले हैं और 10:09 में सिर्फ 250 किलोमीटर चलाई है। और इतना परेशान हो गया ना, मतलब एक टाइम को लग रहा था कि यार छोड़ यार वापसी चलो घर, मतलब ये करता कि यार हमारा डिसीजन हो गया गलत, क्योंकि हमने सिर्फ यह सोचा कि छुट्टी है तो चलो चलते हैं। पर ना मौसम ना कुछ, इतनी ज़्यादा धुंध और इतना ज़्यादा ठंड लग रही, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। पर कोई नहीं, फिर एक भोले बाबा का नाम लिया और बस हमने कहा कि चलो चलते हैं। फिर अब यहाँ पर आ गए हैं, 250 किलोमीटर हो चुका है कवर, यहाँ से भी अभी 500 किलोमीटर बचा है। तो अभी हमने सोचा कि यहीं से जितना खींच सकते हैं उतना खींचेंगे, पहले हमने सोचा ब्रेक ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बाइक रोक ली, खाना वाना खाएंगे अपना। तो अब यही डिसाइड हुआ कि जितना खींच सकते हैं ना, तो शाम को 5 से 6 बजे तक के बीच में हमको खींचना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद फिर धुंध हो जाएगी अगर लेट हो गए तो, फिर ज़्यादा दिक्कत होगी। तो 6 बजे से पहले पहले हमको जितना हो सकता है खींचना है, तो कोशिश करेगी 6 बजे से पहले पहले पहुँचें। अब खाना वाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं। तो भाई साहब अपना खाना पीना एकदम हो चुका है रेडी, हम हो चुके एकदम रेडी, बस अब निकलते हैं और यहाँ से 550 किलोमीटर लगाएंगे सीधा खींचम खींच, कहीं नहीं रुकेंगे, अब सीधा 6 बजे तक पहुँचना है, टारगेट है। हाँ भाई गोलू। कैसा लग रहा है, नींद आ रही है? अब नहीं आ रही है। तैयार बस अब निकलते हैं, जब मंजिल बड़ी होती है तो सफर का कारवां छूट जाता है, मिलता है जब मुकाम तो सबका वहम टूट जाता है।
अभी तक सबसे ज्यादा मजा अब आ रहा है बाइक चलाने में ना, क्योंकि सुबह क्या था कि ओस भी थी, धुंध भी थी, विजिबिलिटी भी नहीं थी और रोड पे ना ग्रिप भी नहीं थी इतनी अच्छी। रोड वहाँ का बड़ा खराब है, तो यहाँ का रोड भी एकदम मक्खन है, विजिबिलिटी भी बढ़िया है, मजा भी आ रहा है। 80-100 चला रहे हैं, मजा आ रहा है। क्रूजिंग करते हुए जाओ 80-100 पे, मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ इंजॉय कर रहा हूँ। सुबह तो मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी यार, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि क्यों यार, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील हो रही थी। पर वही क्या, वो रास्ते क्या जिसमें चैलेंजेस ना हो, हर एक चीज़ अगर हाथ में मिल जाएगी उसका मज़ा ही क्या। फिर जब चैलेंजेस से लड़ेंगे, फिर उससे फाइट करेंगे, फिर उसको जीतेंगे, उसका अलग मज़ा आएगा। सब कुछ हाथ में मिल गया फिर क्या फ़ायदा। ऐसा लग रहा है कि समवन हैज पेंटेड, किसी ने मतलब ऐसे बना रहा ना चित्र पूरा पेंट से, कितना बढ़िया सीन आ रहा सामने का, एक नंबर व्यू लग रहा है। और मेन क्या है, यहाँ पे 700 किलोमीटर जो है दिल्ली से उज्जैन, 750-800 जो भी है, वो सीधा रास्ता है। तो सीधे रास्ते में क्या डिफिकल्टी होती है कि पहाड़ नहीं है, मतलब गोल गोल नहीं है, सीधा सीधा रास्ता है। तो सीधे रास्ते में नींद बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि बोरिंग हो जाता है थोड़ा अगर सीधा सीधा जा रहे हैं, बस कोई कटिंग नहीं करनी, बस सीधा रेस देते रहो गेयर डाल के, तो ना नींद आती है जैसे सीधा रास्ते पे ना, तो उसका केयरफुल रहना होता है। हम सोचते हैं कि पहाड़ी रास्ता खतरेदार होते हैं, उल्टा सीधा रास्ता जो होता है स्ट्रेट वो ज़्यादा खतरेदार होता है। भाई लोग समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कल रात को धुंध थी तो भी हम 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर रहे थे, अब धुंध नहीं है, धूप है इतनी गंदी, गर्मी हो रही है, तब भी 50 किलोमीटर हो रहा है। चलो हो क्या रहा सीन, ये टैलेंट है हमारा, टैलेंट भाई इतनी खींच रहे हैं, इतनी खींच ली, 2-3 घंटे से लगातार चला रहे हैं, तब भी अब देखा तो 100 किलोमीटर ही कवर हुआ है। भाई ये क्या हो, इतनी 100 पे चला रहे हैं, 100, 110 और इतना खींचा 2 घंटे से रोके नहीं, और देखा कितना कवर हुआ, सिर्फ 100 किलोमीटर का। भाई अभी भी 450 किलोमीटर है, क्या हो रहा है, भगवान की परीक्षा ले रहे हो क्या? क्या कहना चाहेगा भाई, कुछ समझ आ रहा है टेक्निक? कौन परीक्षा ले लो, गोल चक्कर ना घूमो बार बार, कौन फिर की ले रहा है साला। तो भाई लोग बस निकलते हैं अब इधर से, और जाना तो सीधा सीधा ही है, 450 किलोमीटर स्टिल पेंडिंग, कोई नहीं पहुंच जाएंगे, जय महाकाल। भाई लोग पहाड़ कितने पास आ गए, अब देखो एकदम साथ साथ ही आ गए पहाड़। तो अपन पहुंच गए हैं टोंक, वो अभी एक ना पहाड़ आता आई थिंक उस पे भी टोंक लिखा रहता है, वो काफ़ी अच्छा लगता है, वो आगे आएगा वो दिखाता हूँ अभी आपको ना, वो बढ़िया व्यू आता है। तो भाई लोग अपन पहुंच चुके हैं टोंक, मैं आपको दिखा दूँ, एक ना मंदिर है यहाँ पे बहुत ही फेमस, वो देख रहे हो पीछे एकदम चोटी के ऊपर, वो ऊपर मंदिर है और वहाँ पर लिखा भी हुआ है टोंक। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको तो ये देखो, अगर दिख रहा होगा तो ये दिख रहा है, ये टोंक और ऊपर मंदिर, बहुत फेमस है ये, बहुत पुराना है। तो ये है कुछ डैम, मस्त है। पेटीएम। सो अभी पेट्रोल वगैरह हो गया अपना फुल, अभी यहाँ से कोटा आने वाला है, कोटा अराउंड 90 किलोमीटर्स है, कोटा आएगा फिर आएगा अपना एमपी, कोटा के बाद राजस्थान जो है ख़त्म हो जाता है, फिर एमपी शुरू हो जाएगा। अभी तो 116 है यार, और टाइम लगने वाला है। महादेव है भाई, इतनी आसानी से थोड़ी मिलेंगे, हमारे महादेव पूरी परीक्षा ले रहे हैं हमारी, कोई नहीं महादेव हम भी हार नहीं मानेंगे, पूरी जी जान लगा देंगे। वैसे बड़ी दिक्कत होती है, दोनों ट्रक चलते हैं जब सेम स्पीड में ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आराम से कटिंग देंगे अपन करने के लिए। भाई लोगों को सीन देखो, मच्छर ही मच्छर आ गए अपने वाइजर के ऊपर भी कितने सारे, और अब यार अपन यहाँ रुके, मस्त व्यू है, मस्त मौसम हो रहा है। तो यहाँ से भी है अराउंड 300 किलोमीटर, कोई नहीं पहुँचेंगे यार, आराम आराम से जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, साला डिस्टेंस ही कवर नहीं हो रहा, अरे कोई नहीं, आज आज में पहुँचने का ही रुकेंगे नहीं, ये हमने सोच रखा है। तो बस अब थोड़ा रिलैक्स होते हैं फिर आगे बढ़ें। यार सनसेट होने वाला है बस 10-15 मिनट में और हो जाएगा, और क्या मस्त व्यू है यार सामने, देखो ये देख रहे हो, ये पूरा ऐसे वहाँ तक, क्या तगड़ा लुक आ रहा है ना, कितना बढ़िया व्यू है। तो भाई आपको एक क्लासिक सीन दिखाऊं, हम हाईवे से जा रहे थे ना, सीन के लिए से लोगों इतना अल्टीमेट सीन है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, 3-2-1 रेडी। ओह मैन,
अपना इंडिया, इंडिया का फ्लैग लग रहा है, देखो कितना फाड़ू लग रहा है। कहते हैं कि शिव को पाने के लिए किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आपको शिव जी के बारे में जानना है और अपनी अंतरात्मा को पहचानना है तो उनसे मिलने जाना ही होगा। तो लो भाई, अपनी हो गई एंट्री उज्जैन में। हर महादेव, जय श्री राम। इतनी मेहनत लगी, 25 घंटे लग गए, कोई नहीं, खैर मजा आ गया। हर महादेव, हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। भाई लोग, ये अपना है कुछ रूम, सस्ता टिकाऊ रूम मिल गया, मस्त। तो यार बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, अब सोते हैं और कल करेंगे महादेव के दर्शन और आप लोगों को भी सबको करवाएंगे। तो बने रहिएगा, इस वीडियो करते हैं फ्रेंड, जाता है वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, हर हर महादेव। यहाँ पे शिवलिंग को हर दिन अलग अलग रूप में सजाया जाता है, वो कितने अच्छे बात है, अभी देखकर दर्शन करता है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, मंदिर के अंदर ही आए भाई दर्शन करता महादेव के। हर हर महादेव।